नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। यूपी के कौशाम्बी जिले में चार छप्पर नुमा घरों में भीषण आग लग गई। घर के अंदर मौजूद 6 साल की बच्ची की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। आग लगने की सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों की मदद से दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इसके अलावा चार घरों की पूरी गृहस्थी भी जलकर खाक हो गई। एसडीएम ने पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा कोष से 4 लाख रुपए की मदद का आश्वासन दिया और वहीं पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। घटना चायल तहसील क्षेत्र के रामपुर मड़ूकी गांव की है। ग्रामीणों के मुताबिक चना भूनते वक्त चिंगारी से यह आग लगी है। दरअसल रामपुर मड़ूकी के गांव में दशरथ का परिवार रहता है। होली त्योहार के मद्देनजर दशरथ के घर उसकी विधवा बेटी फूलकली अपने 2 बेटी अनुष्का और नमिता के साथ मायके आई हुई थी। दोनों मासूम बेटी घर में सो रही थी। वहीं परिवार के लोग खेत में काम करने गए हुए थे और इसी बीच घर में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को जानकारी हुई तो आनन फानन में परिवार के लोगों ने आग के बीच घिरी नमिता को बाहर निकाल लिया, लेकिन 6 वर्षीय अनुष्का घर के अंदर आग में घिर कर जिंदा जल गई। अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर मड़ूकी गांव है, यहां पे एक अग्निकांड हो गया है और इस अग्निकांड में 4 लोगों के घर जल गए हैं और एक बच्ची जो कि लगभग अनुष्का, जिसकी उम्र लगभग 6-5 साल थी, फूलकली की बेटी है। फूलकली भी के पति की भी मृत्यु हो चुकी है और उस बच्ची को उसके अंदर से आग लगने के समय निकाला नहीं जा सका, जिससे उसके जल करके मृत्यु हो गई है। मैं उसका पीएम कराने के लिए डेड बॉडी भेजी गई है। क्या आर्थिक मदद की जाएगी? ये बच्ची की जो मृत्यु हुई है बहुत दुखद घटना हुई है और इस दुखद घटना में हम सभी लोग परिवार के साथ में हैं। हम इसको दैवीय आपदा के अंतर्गत 4 लाख रुपए की सहायता इसकी माँ के खाते में हम 24 घंटे के अंदर भेज देंगे। और जो शेष लोग हैं जिनके मकान जले हैं उनमें भी जो अनमन्य सहायता है वो उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।